तो नमस्कार भाई और बहनों, आज फिर से एक बार हम माइनक्राफ्ट की दुनिया में आ चुके हैं, पर यहाँ पर अभी रात हो रही है। तो चलो फटाफट सोते हैं और सुबह करते हैं। और गाइस, आज हमने मस्ती प्लान वाले करके रखी है कि आज हम एक नया बिज़नेस शुरू करने वाले हैं, नया माइनक्राफ्ट का बिज़नेस शुरू करने वाले हैं, जो कि है बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आपको उस बिज़नेस को दिखाने से पहले मैं थोड़ा यहाँ पर अपने भाई भाई को थोड़ा सा वो दे देता हूँ, खाना पीना। आ जाओ सारे, आ जाओ, चलो ब्रीडिंग करो, ब्रीडिंग करो, ब्रीडिंग करो, तू भी फोन तब ब्रीडिंग करते रहो, मैं चलता हूँ। और मैं नीचे दिखा दूंगा, क्योंकि मैं वो वाला बिजनेस मैं आपको सीधा दिखाऊंगा, बताऊंगा नहीं। फटाफट हो गया भाई, एक पूल हो चुकी है। मैं इसकी चार प्लैंक बनाऊंगा और एक क्राफ्टिंग टेबल बनाऊंगा और ये बची कुछ चारा भी, इसका मैं ब्रेड बना दूंगा। और यहाँ पे टोटल 13 ब्रेड बन चुके हैं। तो जी हाँ भाई और बहनों, वापस से हम एक बार आ चुके हैं और अब मैं आपको वो वाला खास बिजनेस दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, वहाँ पर आपको जो बड़ी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो ही हमारा बिजनेस है। जी हाँ, हमने एक कार का शोरूम खोल लिया है, पर और यहाँ पर हमने बहुत सारी कारें इंपोर्ट करके रख रखी है। जैसे ये देखिए, आपको दिखाऊंगा अंदर जाकर। ये है हमारी मस्टैंग GTR जो कि पटरी हुई है। ये देखिए, ये रॉल्स रॉयल्स। और उस तरफ जाके बताऊं तो यहाँ पर हमारा ऊपर जाने का रास्ता है, जहाँ पर मेरा ऊपर गैराज है। और यहाँ पर पड़ी है 2-4 मस्टैंग GTR और 2 रॉल्स रॉयल्स। तो चलो जी हाँ भाई बहनों, हम एक बार इसकी राइड कर आते हैं। और राइड करने से पहले मैं अपने को थर्ड पर्सन मोड में कर लेता हूँ, जिससे मेरे को सारी चीज़ें आसानी से दिख जाए। तो थर्ड पर्सन बैक, और यहाँ से निकल जाएगी गाड़ी बिना स्क्रैच। ओ बच गई साहब, इतना सा रास्ता मैंने मकैनिक को कहा था कि बढ़िया रास्ता बनाना, फिर भी उसने नहीं बनाया, इतना छोटा सा रास्ता बनाया। तो भाई साहब देखिए, हमारी मस्टैंग GTR बिल्कुल ही मस्त हो रही है। और अब हम एक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। तो भाई और बहनों, हम फटाफट से चलते हैं। और देखिए, गाड़ी बिल्कुल ही स्मूथ चलती है और बिना किसी रुकावट के इतनी तेज भगती है। और इसकी अभी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है गाइस, अभी तक की सबसे हाई स्पीड है। और ये क्या पानी में भी चलती है, चेकिंग इन फोर। जी हाँ भाई और बहनों, ये गाड़ी पानी में भी चलती है, देखिए आप, पर पानी में इतना खास तेज नहीं चल पाती, धीरे धीरे चलती है। तो हम इसको भारी चलाएंगे। और ये तो बहुत ही तेज हवाओं से बातें कर रही है, गलत जगह लिया है भाई साहब। हम अभी इसको वापस ऊपर ले जाते हैं और इसको वापस से शोरूम के अंदर धकेल देते हैं, क्योंकि ये अभी नई की नई है। मैंने अभी और सिर्फ यहाँ पर बिजनेस खोलने के लिए इसको खास दुबई से एक्सपोर्ट किया है। हाँ जी हाँ भाई और बहनों, चपाती गेमर, उन्होंने मेरे को ये गाड़ियाँ दी हैं और वो बहुत ही अच्छे हैं। और उन्होंने कहा है कि मेरे पास लैम्बोर्गिनी उरुस और बेनिनो भी है, अगर आपको वो भी चाहिए तो वो भी बता देना। तो गाइस चलो, हम इस गाड़ी से बाहर निकलते हैं, सीधी एक बार इसको पार्क कर दें। और गलत बहुत, अब सही है। तो चलो भाई और बहनों, हम इस बाहर चलते हैं। और मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब कोई कस्टमर आएगा, हम वहाँ पर बैठेंगे। और अभी तक कोई भी कस्टमर नहीं आया। और देखिए, हमने यहाँ पर रुकी, हम पहले फर्स्ट पर्सन मोड में आ जाते हैं और मैं दिखाता हूँ। पॉइंट कर रखा है जो कि यहाँ पे केक वेक करते हैं। और ये देखिए, पंपकिन पाई पड़ा है और ये डेकोरेशन कर रखी है। और यहाँ पे चेफ है, जिसको जो भी खाना वो अपने आप ले सकता है। मैं एक बार ये मस्टैंग GTR सही कर देता हूँ, बिल्कुल ही अजीब व गरीब जगह खड़ी है। और यहाँ पर देखिए, ये हमारी कुर्सी है, क्योंकि हम यहाँ पे बॉस हैं तो हम इधर बैठेंगे, ऐसे ऐसे बैठेंगे और सामने। और यहाँ पर चेफ है, जिसमें सारा पेपर पड़े हैं कि किसी को बुक की हो, मतलब किसी को बनानी हो अपने साइन पेपर के, गाड़ी के पेपर पड़े हैं और इंश्योरेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर मैं आज सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई मेरे साथ, मतलब कोई भी यहाँ पर कस्टमर आ ही नहीं रहा। और यहाँ पर देखिए, कितने सारे कस्टमर घूम रहे, पर इनको गाड़ी नहीं चाहिए। हेलो मामा, हेलो चाचू और विलेजर के मामा, कैसे हो? क्या आपको गाड़ी चाहिए? आपको दे दो 20 में एक डायमंड और एक एमरल्ड के अंदर ब्रेड दे रहा है। भाई तेरे को गाड़ी चाहिए? मेरे पास गाड़ी है, तू मेरे पे क्लिक कर, मैं गाड़ी बेचूंगा तेरे को। ये तो इंटरेस्टेड नहीं है गाइस, हम दूसरे लोगों से पता करते हैं क्या वो इंटरेस्टेड हैं। मैं सबको यहाँ पे घंटा बुलाता हूँ। अरे ये तो भाग गया अंदर, कहाँ गया गाइस? ये सारे भाग रहे हैं और ये पता नहीं बेचारे यहाँ पर क्यों आया है। टिकवा दीजिए। गाइस मैं विलेजर को सुबह से बोल कर परेशान हो चुका हूँ कि किसी गाड़ी चाहिए तो आ जाओ। जी तो मस्टैंग GTR रेड कलर में है, ये बहुत ही बढ़िया एडिशन की है, मतलब बहुत ही
कैसे बताऊँ मैं आपको कौन से लेवल की है ये। ये गाड़ी स्पोर्ट्स एडिशन है और वो जो ऊपर है वो लग्जरी की है नहीं, और ये सारी जो मस्टैंग्स हैं ये सारी स्पोर्ट्स की है। इसके अंदर देखिए टायर वायर सब मस्त वाले स्पोर्ट्स लिखा हुआ है। और ये जो रोल्स रॉयस है ये लग्जरी वाली है। अगर आपको किसी भी गाड़ी चाहिए हो तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। जी हाँ भाई अभी जी हाँ, और अगर आपने ये सब किया तो मैं आपको ये सारी गाड़ियाँ फ्री में, जी हाँ फ्री में दूंगा। अगर आपको ये सब गाड़ी फ्री में चाहिए तो प्लीज़ हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। एंड आ जा भी कुमड़ी, तेरे को भी गाड़ी चाहिए, तेरे को भी गाड़ी दिलाऊंगा, आ जा फटाफट। गाइस देखो हमारा पहला कस्टमर आ चुका है कुमड़ी। मैं एक और दूसरे कुमड़ी को भी लेकर आता हूँ क्योंकि वो भी शायद मेरे को लगता है इधर ही घूम रही है और उसको एड्रेस नहीं पता है कि कहाँ से वो शोरूम का रास्ता है। तो आ जाओ तुम दोनों, आ जाओ तुम दोनों को ही मैं गाड़ी दिलाऊंगा, आ जाओ। हाँ भाई तेरे को कौन सी गाड़ी चाहिए बता मेरे को, नहीं बता आ जाओ तुम अंदर आ जाओ, तुम दोनों को देखो आ जाओ फटाफट, आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ। कहाँ गए, आ जाओ अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ। यहाँ पर एक एक सीट पे बैठ जाओ दोनों। ओ यहाँ पर नहीं, सीट पे बैठो, सीट पे सीट पे। हाँ तो मैं दो फटाफट से पेपर निकाल देता हूँ। तो ये देख ये लीजिए, एक पेपर आपका और एक पेपर आपका, ले लीजिए इस पे साइन कर दीजिए। कहाँ गई, मेरे को लगता है ये भी गाड़ी लेने नहीं आई है, मैं इनको बाहर ही ले जाता हूँ। भाई और बहनों यहाँ पर रात भी होने वाली है और वो दूसरी वाली कहाँ जा गई। और वो दूसरी वाली कहाँ रह गई, इसको तो मैंने पीट दिया, उसको भी पीटना पड़ेगा वरना वो मेरे शोरूम के अंदर ही घूमती रहेगी। गाइस मेरे पास एक आइडिया है कि मैं ज़ॉम्बी को भी तो अपनी गाड़ियाँ बेच सकता हूँ। अगर आपको ऐसी वीडियो, एक वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए जिसमें मैं एक मेरे दोस्त को बुलाकर उसके साथ गेम खेलूँ मल्टीप्लेयर और उससे गाड़ी सोल्ड करूँ वो भी महंगे दामों में, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तो टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय भाई। नहीं कदूर आया बात कर जाता हूँ और वहाँ पर शायद मेरा क्रीपर भी इंतजार कर रहा है, इसके लिए इंतजार कर रहा है और ज़ॉम्बी भी इंतजार कर रहा है। फटाफट पहले खाना खा लेता हूँ। तो मेरे को खुद को नहीं पता कि मेरा ख्याल कौन रखेगा। अरे अंदर दिखा ले, बच गया भाई। तो टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।